बिल्कुल, तो कल दोपहर 3 बजे वो घड़ी आने वाली है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा चुनाव, आम चुनाव, उसी की तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। नीरज पांडे का रुख करते हैं, लेकिन इस बीच नीरज पांडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम लगे हुए हैं दक्षिण भारत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको लेकर क्या खबर है? देखिए, दक्षिण भारत का लगातार वो दौरा कर रहे हैं, आज भी वो तेलंगाना जा रहे हैं, तेलंगाना में शाम को 5 बजे रोड शो है, उसके अलावा भी उनका एक कार्यक्रम है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर आप पिछले 2-3 महीने में देखें तो करीब करीब 20 से ज़्यादा बार दक्षिण भारत का दौरा कर चुके हैं, केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, इन राज्यों में लगातार फ्रिक्वेंट वो आ जा रहे हैं। और माना ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फोकस है वो ये है कि भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी ने पार्टी को कह दिया कि आप लोग नॉर्थ संभालिए, साउथ में अकेले संभालूंगा। और उसके पीछे की स्ट्रेटजी सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो करीब 125 सीटें हैं पूरे साउथ में, उनमें से ज़्यादा स्टेक लिया जाए, क्योंकि अभी तक कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी के पास साउथ से एक भी सीट नहीं है। कर्नाटक में 25 सीटें हैं और तेलंगाना से उनके पास 4 सीटें हैं, तो यही जो 29 सीटें छोड़ दीजिए तो भाजपा के पास 125 सीटों में से कोई सीट नहीं। भाजपा का जोर पूरा ये है कि कर्नाटक में तो अपनी सीटें रिपीट ही हों, तेलंगाना में अपनी सीटें रिपीट ही हों, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाने की कोशिश की जाए, और जितनी भी सीटें लाएंगे वो उनके लिए सरप्लस होगा। और अब जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव घोषित ही कर दिया है, यानी कल 3 बजे इसकी घोषणा हो जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है जो प्रचार और तेज हो जाएगा, क्योंकि अगर आप गौर करें तो पिछली बार 11 मार्च को चुनाव घोषित हुआ था और 11 अप्रैल से चुनाव की शुरुआत हुई थी, यानी कि पहला चरण वो 11 अप्रैल को हुआ था। तो मैं ये मानता हूँ कि इस बार भी चुनाव, आज जब 4 दिन लेट हो रहा है, आज 15 तारीख हो गई है, कल 16 को वो होगा, तो मुझे लगता है पहला चरण भी करीब करीब 15 के आसपास होना चाहिए। तो रोमाना, भाजपा और प्रधानमंत्री दोनों का जो फोकस है वो साउथ में है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा जल्दी से निधि के पास लेकर जाते हैं, और निधि जो है वो तो बाकायदा लोगों के बीच में मुझे नजर आ रही है। निधि, आखिरकार लोगों को भी इंतजार कि आम चुनाव होना है, तारीखों का ऐलान कब होगा, आप जब ये खबर उन तक पहुंच रही है, उत्साहित है लोग? जाहिर सी बात है रोमाना, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। मैं मध्य प्रदेश में हूँ जहाँ 29 सीटें हैं टोटल लोकसभा की, जिसमें से 28 सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन इस बार क्या आंकड़ा बदलने वाला है? फिलहाल कुछ लोगों के साथ हूँ और इनसे रिएक्शन करते हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, क्या कह रहे हैं? हाँ, जनता भी इंतजार कर रही है, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से लोकसभा के चुनाव होते, और कल जिस तरीके से इन्होंने चुनाव आयुक्तों का गठन किया उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होने वाले हैं। पहले ही आपको लग रहा है कि पारदर्शी तरीके से नहीं होगा, क्या इस बार किस तरीके की तस्वीर रहने वाली? यहाँ तो कांग्रेस का माहौल विधानसभा में था, ईवीएम सेट है यहाँ, लोकसभा में इनके हर जगह सेट रहता है। जनता चिल्ला रही है, महंगाई की मार झेल रही है, जनता चाहती है कि ये सरकार हटे, लेकिन अब इनकी जो व्यवस्था है वो दुरुस्त है। आप क्या कहेंगे सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, क्या लग रहा है इस बार तस्वीर कैसी होगी एमपी? नहीं, मध्य प्रदेश की अब की जो तस्वीर है वो कांग्रेस के पक्ष में होगी और लोकसभा कांग्रेस के पक्ष बिल्कुल होगी, और विधानसभा में भी जो जनता का जनाधार का वोट था वो कांग्रेस की तरफ था। जो ईवीएम द्वारा ही यहाँ जीत हुई है, जनता ने वोट कांग्रेस को दिया है, और यहाँ पर 29 सीटों में से कांग्रेस 15 लोकसभा सीटें चुनाव जीत होने में खड़े। आप जल्दी से बताइए कि इस बार क्या बीजेपी कह रही है कि हम 400 सीटें पार करेंगे, ऐसा लग रहा है? नहीं, अभी तो मुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्हीं की जो ऐसा सुनने में खबरें आ रही हैं कि आरएसएस जो उनका पितृ संगठन है, उनने अभी आंतरिक सर्वे करवाया था, कुछ आंकलन किया था पूरे, वो खुद इस बात को लेकर के बड़ी हैरान है कि इस बार 200 से ऊपर एक भी सीट नहीं आ रही, 200 के अंदर ही सीमित ने की। भाई साहब, ये बताइए, लोकसभा की तारीखों का ऐलान हो गया, कल हो जाएगा 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कहेंगे? इंतजार कर रहे थे। बंदे मातरम। आप क्या कहेंगे? कौन सा चलेगा यहाँ पर? आम चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा इन लोगों के लिए क्या रहने वाला है? ये बता दीजिए कि आप लोगों के लिए सबसे, इधर आ जाइए, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार है, बेरोजगारी के लिए रोजगार है, बहुत जरूरी है, रोजगार के बिना तो कैसे चलेगा, बहुत महंगाई है, महंगाई भी इतनी बढ़ती जा रही है, फ्री का हर चीज
बढ़ रही है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा, लोगों को यहाँ पर तनख्वाही नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप जाएंगे तो 3-3 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिल रही। तो सिर्फ अभी इस वक्त तो ये हो रहा है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फ्री में जितना भी है फ्री का काम ज़्यादा हो रहा है, अनाज हो या पैसा बट रहा है लेकिन लोगों की सैलरी नहीं मिल रही। फ्री की रेवड़ियाँ बट रही हैं, ये इस बार महंगाई पर मार और इन सब चीज़ों को लेकर भारी पड़ेगी कि नहीं? देखिए महंगाई तो बढ़ती जा रही है, फ्री की रेवड़ी जो बट रही है वो कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए और जो सरकार विकास के कार्य करेगी वही सरकार आना चाहिए। झूठे जो जुमले छोड़ेगी सरकार वो सरकार नहीं आना चाहिए। नाराज लग रहा है, आपको क्या लग रहा है इस बार किस तरीके की तस्वीर होने वाली है भाई? क्या मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए, एमपी के लोगों के लिए क्या? मैं मध्य प्रदेश में तो सबसे बड़ा मुद्दा वही बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। तो ये मध्य प्रदेश के लोगों की मन की बात आप जान रहे हैं। आम चुनाव पूरे देश को इंतजार है और लीजिए कल चुनाव आयोग की तरफ से दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।